बात करते हैं इंदौर की, जहां मल्टीनेशनल कंपनी में काम का झांसा देकर राजस्थान से आए एक आरोपी ने इंदौर के 50 लोगों से 25 लाख रुपए ठग लिए। ठगाए गए लोगों में सरकारी बैंक का कर्मचारी भी शामिल मिला है, जिसकी शिकायत पर MIG थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अजय वर्मा के अनुसार इंदौर के रहने वाले बैंक कर्मी की मुलाकात 13 अप्रैल 2018 को होटल अमलतास में आरोपी कृतार्थ मेहुल परघी से हुई थी। आरोपी ने खुद को गुजरात का रहने वाला बताया था। कृतार्थ उस समय किसी सेमिनार में आया था। इस दौरान इंदौर के रहने वाले बैंक कर्मी से उसकी जान पहचान हुई। आरोपी ने बताया कि कनाडा में उसे परिचित की कंपनी में कई पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके बाद अपने परिचितों को उसने जानकारी दी। आरोपी कई पांच सितारा होटल्स में जाता था और चाय कॉफी पीते पीते अपने नजदीक के टेबल पर बैठे व्यक्ति से पहले इंग्लिश फिर फ्रेंच में बात करता था। जब कोई उसके झांसे में आ जाता था तो उसे विदेशों में अपने परिचितों की कंपनी में नौकरी दिलवाने के बहाने लोगों से रुपए ठग लेता था। आरोपी इतना शातिर था कि वो इंदौर में जब भी जाता तो लग्जरी होटलों में जाकर रुकता था। वहीं पर कई लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, अकाउंटेंट, ड्राइवर, मैनेजमेंट के लिए बुलाता और उन्हें फर्जी तरीके से कंपनी के लेटर भी दिए, जिसके बाद सभी को वीजा के नाम पर 35,000 रुपए भी ले लिए। सभी को 1 लाख की सैलरी से लेकर 2.5 लाख की सैलरी देने की बात कही थी। वहीं आरोपी ने इंदौर से जाने के बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया। पीड़ितों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। फरियादी ने बताया कि उसने आरोपी कृतार्थ मेहुल परघी को कई बार होटल का बिल चुकाने के लिए और अपने खाते और कभी क्रेडिट कार्ड से रुपए भी दिए। कुछ समय पहले इंदौर के कुछ होटल में आरोपी फर्जी चेक देकर पकड़ा गया था, जिस पर फरियादी ने उधार रुपए लेकर होटल वालों का बिल चुकाया था। इसके लिए उसे 20 लाख रुपयों का लोन लेना पड़ा, जिसकी किस्तें भी वो भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।